वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद, लाहौर स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। लाहौर आए हुए हैं आपके लिए मज़ेदार किस्म के सेगमेंट्स तैयार करने के लिए। मज़ेदार हमेशा खाना नहीं होता, सिर्फ टॉपिक भी मज़ेदार हो सकते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक जिससे जो बेसिकली जिनसे हम सीखते हैं बहुत कुछ, जो अपनी ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, हमने पहले सेल्फ़ डिफेंस सेगमेंट की बात की। सेल्फ़ डिफेंस में हमने आपको फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में बताया, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि लड़कियों को, बच्चियों को स्पेशली मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इमोशनल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, हमारे साथ देती आ रही हैं डॉक्टर कंवल साहिबा। डॉक्टर कंवल जो हैं वो फ़र्स्ट वाइस चांसलर ऑफ़ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इतनी दफ़ा बुलाने के लिए। पीटीवी एग्जैक्टली, डॉक्टर साहब अब ये भी होता है ना कि आपको पी टी वी का एक वैसे भी एक चार्म है, और हम हमेशा से क्योंकि देखते हुए इसको बड़े हुए हैं, तो फिर आप एक जब शायद ना देखते हुए बड़ी हुई, मैं तो हुई हूँ। नहीं, इससे मैं ये नहीं बता रही, ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन फिर भी मैं हुई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक, हम पहले भी बड़े एक्साइटेड थे कि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग। एक्साइटेड इस वजह से थे क्योंकि हम ये डैमेज होता देख रहे हैं इस चीज़ की वजह से, वी थॉट कि हम इसके ऊपर बात करें। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, इस पर हम बात करेंगे आज। आपकी नज़र में पहला सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट, क्या ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्या ज़्यादा नुकसान आते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है, और मुझे ना वो बचपन का याद आ गया कि साइंस के फ़ायदे और नुकसानात पर तकरीर कीजिए, और फिर एक पार्टी जो है वो उसके फ़ायदे गिनाई जाती है। हम और दूसरी दौर की बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं आपको लेके जाऊं पुराने दौर। अच्छी बात है, और दूसरे उसके नुकसानात बताए जाते हैं, और एंड पे नतीजा ये निकलता है कि एक्चुअली कोई भी मीडियम बुरा नहीं होता। एग्जैक्टली, उसका इस्तेमाल जो है ना वो उसको मुस्बत या मनफी बनाता है। बिल्कुल ठीक है, तो अब हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया है क्या, समाजी रबते की, तो समाज किसका नाम है, इंसानों का। बिल्कुल, तो हम इसके ज़रिए भी अपने जाने अनजाने लोगों के साथ ही रابطہ करते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो इन अ वे मेरा ये ख्याल है कि इसने आपको एक दूसरे से कनेक्ट भी किया है। आप फैमिलीज, कोई बच्चा कहाँ पे रह रहा है, कोई कहीं पे पेरेंट्स रह रहे हैं, सो दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो उसकी कुछ बातें ना क्लीशे बन जाती हैं कि सोशल मीडिया हमारा ये कर दिया, सोशल मीडिया ने माशरे को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। माशरा हम बनाते हैं ना, एक्चुअली मीडिया ने बर्बाद नहीं किया। मसला ये है कि मीडियम एक आ गया, हमारी तरबियत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, और अदरवाइज़ भी हम बहुत ज़्यादा चूँकि तरबियत पर कोई इतना फोकस नहीं करते, तो जो हमारे हाथ में एक मीडियम ऐसा आ गया जिससे हम बड़ी आसानी के साथ दूसरों के तक पहुँच सकते हैं, और फिर हमारी शनाख्त भी नहीं होगी, तो बुरा ये तब बनता है जब हम उसका मिसयूज़ करते हैं किसी को डैमेज करने के लिए। लेकिन आप फेक आइडेंटिटीज बना दी आपने, बच्चियों ने बना ली, बच्चों ने बना ली, एक दूसरे को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, गलत अंदाज में कर रहे हैं। अब ये जो उसके नेगेटिव या मनफी इस्तेमाल हैं, इसका सद्देबाप जो है ना, वो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि वो आपको तरबियत के साथ वाबस्ता है। जब आप बच्चों को, यूथ को राइट और रॉन्ग का कम से कम उनको ऑप्शंस बता देते हैं, ठीक है, उनको गाइड करते हैं, हम कहते हैं नेटिकेट्स, नेट के अंदर भी मुख्तलिफ एटिकेट्स हैं उसको यूज़ करने के, तो वो हमें उसकी तरबियत की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन की, हम कहते हैं कि एक इनकलाब आया है अचानक से, तो क्या ये कहना दुरुस्त है कि शायद पाकिस्तान, पाकिस्तान की बात करेंगे अभी, क्या इसके लिए प्रिपेयर नहीं था? मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ही इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। आप अपनी इंसानी तारीख जब देखते हैं तो उसमें तो सदियों सदियों के बाद कुछ आते हैं, बड़े बड़े जो वाकयात हैं जी। आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, आपका इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, और उससे पीछे आप चले जाए, ज़्यादा हम हिस्ट्री में नहीं जाते, तो आप देखें ना, और ये पिछले 20 साल है जी जिसने दुनिया को ऊपर से नीचे कर दिया। अब आपके पास जेनरेशन जी और जेन और वाई और ये डिजिटल बॉर्न और डिजिटल नेटिव्स, कितनी सारी इस्तलाहात हैं जो कि क्यों, इसलिए कि उस वजह से हमारे रवैये डिफरेंट हैं। ठीक है, मैं डिजिटल नेटिव नहीं हूँ या डिजिटल बॉर्न नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरा डिफरेंट है। एक जब
जो बच्चे पैदा ही उस डिजिटल एज में हो रहे हैं उनके रवैये डिफरेंट है। जिम्मेदारी हम पर ज़्यादा आयद हो गई है, पेरेंट्स पर भी और समाज पर भी, कि उनको एक तो बताए कि क्या इसमें जिसे कहते हैं ना फैक्ट्स क्या है, उसमें शिनाख्त करना सिखाना और प्रोपेगेंडा क्या है, ये यूथ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, किस किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब इवन आपके ले पर्सन देखें से लाइक वो वीडियोस पे देख रहे हैं जी, ये अब देखें बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, फलानी चीज़ का ये फ़ायदा है, फलान का ये फ़ायदा है, क्योंकि हर उस इन्फॉर्मेशन को जो हमें डिजिटल मीडिया में मिल रही है हम उसको द्रुत समझ रहे हैं ना। अभी तक तो अब थोड़ा सा शोर हुआ कि जी फेक इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ या ये, तो ये उसको आइडेंटिफाई करना, डिटरमिन करना और तहजीब जो है ना डिजिटल वर्ल्ड में समझ लें, एक साइबर वर्ल्ड में तहजीब के साथ रहना क्या है, कल्चर के साथ रहना क्या है, वो अगर हम साथ लेके चलें तो मेरा ख्याल है इट्स अ ब्लेसिंग। बिल्कुल, आपने जिस तरह से बात की ना फेक न्यूज़ आप जो है फेक इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया, तो एक वक्त ऐसा आया था, आपने भी देखा हमने भी, कि फेसबुक क्योंकि बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे कि फेसबुक ही ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते थे, अब तो इंस्टाग्राम और बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ गए, तो जो भी खबर वहाँ पे आ जाती थी लोग उसको पत्थर पे लकीर समझ लेते थे और वो बेसिकली ऐसे ही डिसमिनेट हो जाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों ये आप अगर पीछे जाए ना थोड़ा सा तो एक तहरीर की हुर्मत की बात होती है, ठीक है, जब हम बच्चे थे ना तो उस जमाने में ये था कि जो भी लिखा है ना अखबार में, जो चीज़ छपी है दैट इज़ द टोटल अल्टीमेट ट्रूथ, लोगों की जान निकलती थी कि हमारे बारे में कोई अखबार में खबर ना छप जाए, लोग क्या सोचेंगे। अब मुझे पता है छप गई है, खैर है, ये लोगों को भी पता है आधा झूठ है आधा सच है, उसकी वो सैंक्टिटी ख़त्म हो गई। फिर अब आप जब इस पे आते हैं सोशल मीडिया पे, शुरू में सबको लगा जो इस पे आ रहा है ना सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को पता चल रहा है कि सब ठीक नहीं है। तो मेरा पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर ये है कि उस मीडियम में पॉजिटिव अंदाज में लेकर चलने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। अभी आप देख लीजिए पिछले दिनों चंद घंटों के लिए व्हाट्सएप बंद हुआ था तो सारा स्टैंड स्टिल हो गई थी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ ग्रुप्स में। वैसे भी कम्युनिकेशन तो वो बात ठीक है, प्रोफेशनली तो वो चीज़ें, वैसे तो कयामत आ गई थी मैं कहूँ जी। तो बात ये है कि हम में एक आदत सी पड़ जाती है एक बात करने की, ये खराबी आ गई। मज़े की बात है कि बहुत लोग सिर्फ खराबी की जब बात करते हैं तो उनसे अगर आप कहें कि दो घंटे के लिए आप फ़ोन छोड़ दें, डोंट गो ऑन सोशल मीडिया, तो वो नहीं करेंगे। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, बट आई हैव हियर जाते जाते मैं आपको एक ये एडवाइस जरूर है, बच्चे अगर माने तो लगता ये है कि मुझे ना हर 5 मिनट के बाद फेसबुक देखना है, शायद उस पर पता नहीं क्या आ गया हो। मैं अपना पर्सनल आपको बता रही हूँ, मैंने ये देखा है कि मैं दिन में शायद ज़्यादा से ज़्यादा 3, वो भी फैमिली वाला जो मेरा ग्रुप है, मैं 4 दफ़ा जाती हूँ। आई हैव अनदर प्रोफेशनल ग्रुप, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी तो फिर मैं थोड़ी आप समझ ले ओल्ड फैशन खातून हूँ, तो मैंने एक प्रोफेशनल ग्रुप अपना अलग कर दिया। वो मैं 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा देखती हूँ और मैं पूरा कैचअप कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे आगे किसी को देना होता है वो दे लें। तो हमें टाइम मैनेजमेंट जो है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। हर 2 मिनट के बाद आपको ट्विटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हर 5 मिनट के बाद आपको इंस्टा पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना प्रोडक्टिविटी, अब इसके डिफरेंट ऐप्स अलग से हैं कि आप किस तरह से अपने टाइम को सेक्रीफाइस किए बगैर आप इन टच भी रह सकते हैं और उनको यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छे अंदाज में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, गुडविल हम कितनी उसके जरिए से अच्छी चीजें भी आ रही है। बिल्कुल, ऐसी तो बात एक है। मेरा ख्याल है हमें मुस्बत पहलुओं पर तवज्जो देते हुए, अगर इसकी पॉजिटिव साइड हम ये भी देखें तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और एज अ प्रोफेशन लेके चलें। यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं बहुत सारे लोगों ने, इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग जो बहुत ज्यादा हो रही है, ब्लॉगिंग, वीलॉग्स, आपकी बच्चियों ने देखे, मैं देखती हूँ कितने वो कोई ड्रेस डिजाइनिंग, कोई शूट डिजाइनिंग, कोई कुछ, हर रोज आपको आते रहते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना वो बिजनेस शुरू करके, वो जैसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, कोई कंपनीज नहीं, कोई शॉप्स नहीं, कुछ नहीं है। सो दैट आज देयर, असल पॉइंट यही है कि हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। Exactly. ये हम अगर साथ साथ अपनी, मेरा ख्याल है मे बी हमें एजुकेशन का इसको पार्ट बनाना चाहिए बच्चों को। रवायती चीज़ें तो हम उनको सिखाते रहते हैं लेकिन इस तरह की जो है ना लाइफ स्किल्स भी, सोशल मीडिया स्किल्स भी और एथिक्स जो हैं इसको यूज़ करने के, वो बहुत अहम है।
इसमें मुझे लगता ये है कि चूंकि बच्चों को ये लगता है या युवकों के हमें कौन सा कोई देख रहा है, तो जो वो उनके दिल में भड़ास होती है ना, जो वो वैसे नहीं निकालते, वो बस उसके ऊपर कही जाते हैं. बिल्कुल, दिस इज नॉट गुड. वो देखें, जो चीज नेट पे चली जाती है ना, वो परमानेंट आपका कमेंट वहां पर पड़ा हुआ है. वो आपका कैरेक्टर बताता है. जैसे कहते हैं ना, खानदानी होना, तो आपने अगर इख्तलाफ भी किया है किसी के साथ, तो आपने कमेंट्स क्या दिए हैं, इट शोज हाउ सेंसिबल हाउ सिविलाइज्ड यू आर. और डॉक्टर साहिबा, अगर हम अपनी भी बात करें, बाज़ोकात अगर हमें प्रोफेशनली भी किसी इंसान से मीटिंग के लिए जाना है, उससे पहले आप उसका पूरा सोशल मीडिया चेक करते हैं कि इंसान कैसी सोच रखता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली उससे मिल रहे होते हैं. जी बिल्कुल. और इसके अलावा अगर हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, स्पेशली इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, उसने बहुत प्रमोट किया. यूट्यूब पे अब लोग बच्चे उनके लोग कहते हैं रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है. तो एक खजाना है, आप समझ लें, इल्म का भी. अब कौन सा मौजू है जिस पे आपको वीडियोस नहीं मिल जाती? अगेन गलत वाली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी जो बेचारे सादा से लोगों ने बनाई होती है, फलान चीज़ खा लें तो उसका ये फ़ायदा होगा. जैसे कोरोना आया था, लोगों को बीमार उल्टा करवा दिया, अजीबो गरीब नुस्खे आके. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल के हेल्थ रिलेटेड लिटरेसी जिसे हम कहते हैं ना, उसके लिए किन किन ज़राए को आपको यूज़ करना चाहिए. तो ये इसके लिए बड़ी विगरेसली हमें ये स्प्रेड पैगाम फैलाने की जरूरत है. बिल्कुल. और तहकीक का तो हुक्म भी दिया गया है कि तहकीक हर चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, उसको आप बेसिकली रिसर्च करें. कुछ भी आप देखते हैं उस पर रिसर्च करें, तहकीक करें. देखिए, दो बातें हमारा मजहब भी सिखाता है. एक क्या है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात दूसरों तक पहुँचाए. सोशल मीडिया पे ऐसा होता है, ठीक है. दूसरी बात यह है कि जो मेरे पास एक चीज़ आई है, मुझे पता ही नहीं, उसने मुझे फॉरवर्ड कर दी, मैंने 50 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दी बगैर उसको जाने हुए कि ये क्या है. सो अब उनको भी पता चल गया. अब आपने देखा है कि व्हाट्सएप पर भी आप 5 से ज़्यादा एक टाइम पे मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं कर सकते. तो ये सर्विसेज अपनी तरफ से कुछ, अब इन्होंने चेक्स भी हैं, कंट्रोल भी हैं, करिए, लेकिन बेहतर जरूरी ये है कि आप अपने खुद अपने आप को कंट्रोल करें, जो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. हर चीज़ हम ये ना करें कि अच्छा ठीक है, जिन्होंने ऐप बनाई है वही कंट्रोल करें या पेरेंट्स कंट्रोल करें. आपके ऊपर खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था. मैं हमेशा कहती हूँ कि हमने जितने टॉपिक्स अभी डिस्कस किए, एंड में मैं ये बात कहने में मजबूर हो जाती हूँ कि बहुत डाइवर्स टॉपिक हैं. इससे मुझे ये भी अंदाज़ा होता है कि शायद इनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है. तो राइजिंग पाकिस्तान में हमारी कोशिश ये रही है अभी कि हम ऐसे ही टॉपिक्स को लेकर आएँ, उनको हम डिस्कस करें, जिन पर अमूमन हम देखते हैं किसी भी मीडियम पे बात नहीं होती. मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया भी अदा करती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ, एक्नॉलेज भी करती हूँ कि आप उन मौजूआत को छेड़ रहे हैं या उन पर बात कर रहे हैं. मेरा ख्याल है जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे मौजूआत ऑब्वियसली तालीमी निज़ाम में या अदरवाइज ना घरों में उस तरह से डिस्कस नहीं होते, डिस्कस नहीं किए जाते. जो एक रोल है आपका टू एजुकेट पीपल इन अ लाइटर वे, तो ऐसा ही है. Very good for that. Thank you so much. नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो वक्त आ जाएगा हमारे गेस्ट सेगमेंट का. आज के मेहमान कौन हैं, हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद. राइजिंग पाकिस्तान.